अरब सागर में बने चक्रवात से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश देखने को मिल रही है। बुधवार की सुबह छतरपुर जिले में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिससे भारी जानमान की हानि हुई है। जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक आई तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से सब कुछ तहस नहस हो गया, जिसका सबसे अधिक असर जिले के नौगांव क्षेत्र में देखा गया है, जहां कच्चा घर गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला भन्ना कुशवाहा की मौत हो गई, तो वहीं कई इलाकों में पेड़ पौधों से लेकर बड़े बड़े पोल, बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए, जिसकी वजह से इलाके में सुबह से ही बिजली गुल रही। उधर इस घटना को देखने के लिए नगर के लोग इकट्ठा हो गए और फिर ना दिखा लॉकडाउन और ना दिखा सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं आंधी तूफान की जानकारी लगते ही कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले के सभी पटवारियों को तत्काल प्रभाव से सर्वे करने के आदेश देते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है। क्या घटना हुई है? सर, तूफान आया है, ओले भी गिरे हैं, इसलिए है जो मेरी सास सो रही थी तो सर उठा नहीं पाए उन लोगों को, और टपरा भी संदा गिर गया है। तूफान ने है जो बर्बाद कर दिया है सर, मौके पे ही मौत हो, मेरी सास की मौत हो गई है। और हम लोगों ने तत्काल वहाँ अपना अमला भेज कर कार्रवाई कर ली है, उसको अतिशीघ्र हम 4 लाख रुपए का भुगतान कर देंगे। और प्राकृतिक आपदा से क्या, और काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में पेड़ उखड़े हुए हैं, और लगभग 300 से 400 खंभे भी शहर के आसपास शहर में टूट गए हैं, और हमारा युद्ध स्तर पर उसका कार्य जारी है। नगरपालिका, विद्युत विभाग और लोक निर्माण विभाग, तीनों को इस काम में लगाया गया है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि शाम को 8 या 9 बजे तक शहर में सप्लाई चालू हो जाएगी। आंधी की तबाही हुई है, मौका मुआयना किया है, क्या कितना कैसा नुकसान और कहां कहां नुकसान क्षतिग्रस्त हुआ है? आज सुबह तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिसमें पक्षियों की मृत्यु हुई है और कई मकानों में 3 छप्पर वगैरह उड़ गए हैं, छतें, बाउंड्री वाल वगैरह गिर गई हैं, इसमें काफ़ी क्षति हुई है। इसका लगातार आंकलन कराया जा रहा है और RBC 6-4 के अंतर्गत जो भी सहायता राशि होगी वो संबंधित व्यक्ति को दिलाई जाएगी। नुकसान का कितना आंकलन लगाया? अभी आंकलन करवाया जा रहा है, आंकलन के बाद ही बताया जा सकेगा। लोकेश चौरसिया, सागर TV न्यूज़।